हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग बहुत जल्दी ही ऑटोकैड का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैनल पे। जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी आपको बता चुके हैं कि जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर पूरा होगा उस दिन हम लोग ऑटोकैड का कोर्स स्टार्ट कर देंगे। तो उस समय जो हम आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे वो होगा आपका ऑटोकैड का 2007 वाला वर्जन, क्योंकि ये वाला जो वर्जन है ये आपका लाइफ टाइम फ्री वर्जन है और ये आपके पीसी पे इंस्टॉल रह सकता है। और दूसरा सॉफ्टवेयर जो मेरे पास अवेलेबल है वो है ऑटोकैड 2012 वाला सॉफ्टवेयर, लेकिन ये 2012 वाला सॉफ्टवेयर बहुत सारे पीसीज पे इंस्टॉल नहीं हो पाता है पीसी के रिक्वायरमेंट की वजह से। तो जिनके पास लेटेस्ट पीसी है, जिनके पास जो अभी न्यू वर्जन का जो पीसी है, 2 साल 3 साल पुराना तक लैपटॉप जिनके पास है, पीसी कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर को, मतलब जो आपका डेस्कटॉप होता है उसको हम लोग पीसी बोलते हैं। तो या तो आपके पास अगर कोई नया डेस्कटॉप है, नया कंप्यूटर है या फिर नया लैपटॉप है तो उनमें ऑटोकैड 2012 इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन जैसे अब मेरे ही कंप्यूटर पे ऑटोकैड 2012 इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है किसी सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट की वजह से, कंपेटिबिलिटी की वजह से, तो हम मेरे कंप्यूटर पे ऑटोकैड 2007 इंस्टॉल हो रहा है। उसी तरह से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास लैपटॉप पुराना वाला होगा या घर पे उनके किसी एल्डर का पुराना लैपटॉप पड़ा होगा, तो उस पे आप इजिली ऑटोकैड 2007 इंस्टॉल कर सकते हैं। ये लगभग सारे तरह के लैपटॉप पे और कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाता है। तो हम लोग इसका इंस्टॉलेशन करना सिखाएंगे आपको जब हम लोग कोर्स करेंगे, और इसका ही हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे और हम लोग आगे इस पे ही क्लासेस करेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास नया लैपटॉप है या उनको हायर वर्जन वाला ऑटोकैड पे काम करने का मन है या वो चलाने का मन है, तो उनके लिए हम आज ये वीडियो पहले ही अपलोड कर दे रहे हैं जिसमें आपको ऑटोकैड का जो स्टूडेंट वर्जन होता है जो ऑटोडेस्क के वेबसाइट से मिलता है तो वो आपको लेटेस्ट मिलता है। 2018, 2019, 2020, 2021 वाला जो ऑटोकैड होता है वो अवेलेबल होता है उनके पास से। तो वो आप 3 साल तक के लिए अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं, बट 3 साल के बाद फिर जब आप उसको ऑन करना चाहेंगे तो वो ऑन नहीं होगा, क्योंकि वो 3 साल ही उसका स्टूडेंट वर्जन का वैलिडिटी होता है। और वो भी स्टूडेंट्स को उनके आई कार्ड के वजह से मिलता है, जो जब वो आई कार्ड अपलोड करते हैं वो वेरीफाई होता है, उसके बाद उनको मेल आता है, उस मेल में उनको जो रजिस्ट्रेशन कोड होता है वो सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी ऑटोकैड का वेबसाइट लॉगिन करके उस पर अपना फॉल्स डिटेल्स डाल करके डाउनलोड कर सकता है। पहले ऐसा होता था, 2 साल पहले तक ऐसा हम लोग भी कर सकते थे, बट अब हम लोग भी नहीं कर सकते। जिनके पास आई कार्ड है उनके नेम का, वही लोग आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप लोग जो स्टूडेंट्स अभी करेंटली पढ़ रहे हैं किसी कॉलेजेस में, उनके पास उनके कॉलेज का आई कार्ड होगा, तो उस आई कार्ड का फ्रंट और बैक का फोटो लगेगा इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। और जो स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं उनका सेशन जो है उनके आई कार्ड पे मेंशन रहता है कि वो 2017 से 20 के स्टूडेंट थे या फिर 18 से 21 के स्टूडेंट थे। तो वो स्टूडेंट लोग जो है जब हम उनको ये वाला सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराएंगे या फिर ऑटोकैड 2012 वाला भी बीच में हम कुछ दिन बाद एक आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें ऑटोकैड 2012 इंस्टॉल करने का और उसका भी जो लिंक होगा वो भी डिस्क्रिप्शन में हम आपको अवेलेबल कर देंगे, मेरे गूगल ड्राइव में इसको अपलोड करके वहां से आपको इसका लिंक दे देंगे। तो उसको किस तरह से इंस्टॉल करना है ये हम लोग अभी से ही एक एक करके लेक्चर जो है वो देते जाएंगे, और फिर जब हम लोगों का 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा उसके बाद हम लोग फिर अपना ऑटोकैड का कोर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, और वो हम लोग करेंगे ऑटोकैड 2007 पे। अब वो सॉफ्टवेयर जो है स्टूडेंट वर्जन वाला है वो किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इंटरनेट ऑन करके उसमें गूगल क्रोम पे जाएंगे और हम लोग वहां पे ऑटोडेस्क का वेबसाइट खोलेंगे। तो ऑटोडेस्क जब आप गूगल में टाइप करेंगे तो आपको 2 वेबसाइट्स खुल करके आएगा ऑटोडेस्क का। एक होगा आपको www.autodesk.com और दूसरा जो आपको आएगा वो होगा www.autodesk.in। तो ये जो autodesk.in है ये ऑटोडेस्क का इंडिया वाले जो का जो आपका वेबसाइट है, ऑटोडेस्क इंडिया जो आपकी कंपनी है जो इंडिया में डील करती है उसका आपको ये वेबसाइट है। इस पे आपको वो स्टूडेंट वर्जन के लिए फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होते, वो आपको autodesk.com पे ही आपको अवेलेबल होते हैं। तो आपको यहाँ लिखा आ रहा है ऑटोडेस्क एजुकेशन एंड स्टूडेंट एक्सेस, तो आपको यही वाला वेबसाइट पे इस पे से क्लिक कर देना है। अब ये आपका ऑटोडेस्क जो है ये आपका यूएस वाला साइट है, इस पे आपको स्टूडेंट्स के लिए जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर, ऑटोडेस्क जो है वो सिर्फ ऑटोकैड ही नहीं बनाती है, वो आपको जैसे टिंकर कैड बनाती है, फ्यूजन 360 बनाती है, रेविट बनाती है। तो ये इसमें से कुछ सॉफ्टवेयर जैसे हैं वो आपको आर्किटेक्चर के काम आते हैं, कुछ आपको स्ट्रक्चर में जैसे हम लोग जो सिविल इंजीनियर्स के काम आते हैं। तो हम लोग को अभी जो है वो ऑटोकैड इंस्टॉल करना है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे ऑटोकैड में यहाँ गेट स्टार्टेड, ये देखिए ये ऑटोकैड जो है ये विंडोज वाले प्लेटफॉर्म के लिए है, और ये जो ऑटोकैड है ये आपको जिनके पास एप्पल का पीसी होता है या एप्पल का लैपटॉप होता है ये उनके लिए है, उसको हम लोग कहते हैं मैक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो हम लोगों को विंडोज वाले के लिए करना है, तो हम लोग ऑटोकैड पे इस तरह से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस मांग रहा है जो जिससे हम लोग यहाँ पे रजिस्टर कर चुके हैं,
तो अगर जैसे हम रजिस्टर कर चुके हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे और पासवर्ड आएगा, हम पासवर्ड पुट करेंगे, मेरा साइन इन हो जाएगा। बट अगर आप पहली बार ऑटोडेस्क का वेबसाइट खोले हैं, पहली बार आप इसके आए हैं, तो आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, अब हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे जब आएंगे तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले आपका कंट्री पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले अपना कंट्री डाल देंगे। इसके बाद एजुकेशनल रोल पूछ रहा है आप क्या, हम लोगों को स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो ध्यान रखना है कि जो ईमेल एड्रेस आप डाल रहे हैं उस पर आप एजुकेशनल रोल में स्टूडेंट डालेंगे, क्योंकि अगर आप कुछ और डाल देंगे, एजुकेटर डाल देंगे या स्कूल आईटी एडमिनिस्ट्रेटर डाल देंगे, तो फिर आपको वो सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, फिर आपको उसका दूसरा प्रूफ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट डालिएगा तो आप अपना आई कार्ड से वो प्रूफ दे सकते हैं। फिर इंस्टीट्यूशन टाइप पूछ रहा है, तो हाई स्कूल या सेकेंडरी नहीं है, तो हम लोग क्योंकि अब सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम लोग यूनिवर्सिटी और पोस्ट सेकेंडरी डालेंगे, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ आपके आई कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो एग्जैक्टली आप यहाँ डालिएगा, क्योंकि वो आगे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए जैसे अभी हम रैंडम कुछ भी डाल देते हैं, क्योंकि हमको तो अभी आई कार्ड अपलोड करना नहीं है, तो इसलिए मेरा वेरीफिकेशन का इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट आप लोग जब अपना डेट डालेंगे तो आप लोग अपना एग्जैक्ट डेट डालेंगे जो आई कार्ड में है, जो ओरिजिनल वाला डेट का ही बहुत सारे स्टूडेंट्स का ओरिजिनल डेट और आई कार्ड वाला बर्थ डेट में डिफरेंस होता है, तो आप अपना आई कार्ड वाला ही बर्थ डेट डालेंगे, फिर आप इसमें नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम पूछ रहा है, मतलब टोटल नेम पूछ रहा है, तो टोटल नेम में देखिए यहाँ पे सिर्फ दो कॉलम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब बहुत सारे स्टूडेंट का तीन वर्ड का नाम मिक्स किया हुआ रहता है, जैसे मेरे ही नाम में है दबीर अनवर दानिश, तो अब मेरे पास फर्स्ट नेम में हमको क्या करना है कि हमको दो नाम जो है वो फर्स्ट वाले नेम में डाल देना है, और जो लास्ट वाला नेम होगा उसमें सिर्फ लास्ट वाला नेम डाल देना है, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट नेम मेरा दबीर अनवर हो जाएगा, लास्ट नेम मेरा दानिश हो जाएगा। इनकम्प्लीट नेम नहीं डालना है और कोई भी स्पेलिंग जो है ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जब आप अपना आई कार्ड अपलोड करेंगे और उसमें जो स्पेलिंग रहेगा उससे ये आपको वेरीफाई करने की कोशिश करे और हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दे, तो इसलिए अगर आपके आई कार्ड में ही रॉन्ग स्पेलिंग डला हुआ है तो आप यहाँ पे जो अपना नाम डाल रहे हैं इसमें ही आप अपना वो रॉन्ग वाला ही स्पेलिंग डाल दीजिएगा, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर चाहिए अभी। फिर आप यहाँ पे अपना ईमेल डालेंगे, तो अब हम जैसे ही अपना ईमेल डाल रहे हैं, हम अपना कोई दूसरा ईमेल डालते हैं, तो जैसे ही हम अपना ये वाला ईमेल डालेंगे अगर ये इसमें रजिस्टर्ड होगा तो वो दिखा देगा, अदरवाइज वो क्या करेगा नया अकाउंट क्रिएट कर देगा। अब हम जैसे ही इसको कंफर्म ईमेल पे आए यहाँ दिखा रहा है दिस अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आप अगर अपने नए ईमेल से कर रहे हैं तो फिर वो आपको साइन अप हो जाएगा और फिर आप उसमें आगे प्रोसीड कर जाएंगे। लेकिन अगर आप जैसे आप कोई पुराना ईमेल यूज कर रहे हैं जो आप पहले कभी आप ऑटोडेस्क के वेबसाइट पे आए होंगे और बनाए होंगे, तो यहाँ पे ये साइन अप नहीं होने देगा और वो कहेगा कि अब आप साइन इन कीजिए। तो अब हम क्योंकि हमको पता है कि मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो हम इस पे साइन इन पे क्लिक करेंगे और हम इस पे फिर जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो मेरा पासवर्ड यहाँ पे क्योंकि सेव है तो ये पास लॉग इन हो जाएगा। तो आप लोगों को इस तरह से साइन अप कर लेना है और उसके बाद भी आपका ऑटोमेटिकली लॉग इन होने के बाद यही वाला पेज खुल करके आएगा। अब देखिए मेरा नाम यहाँ पे आ गया हाई दबीर, मतलब मेरा लॉग इन सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे इंडिविजुअल है, क्लास और लैब लिखा हुआ है, तो हम लोगों को क्योंकि इंडिविजुअल वाला भी चाहिए, सबको अपने अपने आई कार्ड के हिसाब से अपने अपने सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हम लोग इंडिविजुअल पे ही क्लिक किया हुआ है। हम लोग इस पे आएंगे और यहाँ गेट स्टार्टेड करेंगे। अब ये कह रहा है कि आपके पास 14 डेज है टू अपलोड योर डॉक्यूमेंटेशन, आप अपना डिटेल्स डाल चुके हैं। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट लोग का ऐसा होगा कि जब वो लोग नेक्स्ट करेंगे तो वहां पे हो सकता है कि उनसे अपने जो आप लोग अभी डिटेल्स डाले थे फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ उसको दोबारा वेरीफाई करने के लिए पूछे। अब क्योंकि मेरा लॉगिन किया हुआ है तो हमसे ये दोबारा नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है कि जब आप नया वाला अपना ईमेल से आप लॉगिन करेंगे तो आपको हो सकता है कि वो डिटेल्स अभी इस वाले स्टेप के पहले दोबारा आए, तो उस समय आपको क्या करना है चेक कर लेना है, क्योंकि वो क्या करता है कि वो आपके डिटेल्स को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देता है और वो देखना चाहता है कि ये आप उसको देख करके आप अपना सारा जो है वेरिफिकेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको जब भी आपके स्क्रीन पे आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ ये सब चीज आए तो उसको एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा। अब देखिए अब जैसे यहाँ डॉक्यूमेंट में कह रहा है कि द डॉक्यूमेंट मस्ट इंक्लूड योर फुल लीगल नेम। अब यहाँ पे देखिए ये जो अभी हम लॉगिन किए हैं तो ये हम सिर्फ दबीर अनवर के नाम से लॉगिन किए थे, तो अब दबीर अनवर के नाम से ही अब हमको आई कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। अब जबकि मेरे आई कार्ड में दबीर अनवर दानिश लिखा हुआ है, तो इसलिए हम आपको बार बार बता रहे थे कि ये वाली गलती नहीं करनी है, आपको अपना पूरा नाम जो है जो लीगल नेम जो आई कार्ड पे है वो आपको यहाँ पे डालना है, ना उसमें कोई मिस्टर लगाना है, ना श्री लगाना है, ना मिसेज लगाना है, ठीक है। अब द नेम ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट विच यू आर एनरोल्ड और एम्प्लॉयड, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपका फुल लीगल नेम होना चाहिए, उसमें आपके इंस्टीट्यूशन का नेम होना चाहिए जहाँ पे आप स्टूडेंट हैं, जैसे मेरे केस में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज बिहार, ये होना चाहिए उसमें। और ए डेट विद इन द करेंट स्कूल टर्म, मतलब आपका सेशन,
क्योंकि किस ईयर का आई कार्ड है वो पुराना आई कार्ड भी हो सकता है, तो इसलिए किस ईयर का आई कार्ड है वो उसमें मेंशन होना चाहिए, या तो 1 साल का मेंशन हो या फिर 3 साल का आपका पूरा कोर्स जो होगा या 4 साल का कोर्स होगा वो उसमें मेंशन हो। ठीक है, तो मतलब है कि वो करेंट जो जो वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं ये उनके लिए ही है। तो ये सब करके यहाँ पे आपको ड्रैग डॉक्यूमेंट्स हियर एंड और ब्राउज, मतलब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आप अपने कंप्यूटर में अपना जो आई कार्ड होगा उसका फ्रंट और बैक का दोनों फोटो आप बना रख लेंगे, या फिर आप उसको पीडीएफ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है, जेपीजी, पीडीएफ, पीएनजी, जीआईएफ, आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर के आप दो, अगर आपका आई कार्ड सिर्फ फ्रंट होता है तो आप सिर्फ फ्रंट वाला अपलोड करेंगे, अगर आपके आई कार्ड में फ्रंट और बैक दोनों में डिटेल्स है तो आप दो यहाँ पे इस तरह से इसको दो इस तरह से फाइल सेलेक्ट कर लेंगे और उसको यहाँ पे आप इस तरह से अटैच कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ये आपका ऑप्शन आ जाएगा सबमिट का, तो आपको फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा और वेरीफाई करने के बाद फिर आपको मेल आ जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो आपका करेक्टली वेरीफाई हो चुका है। तो अब उसके बाद आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आप उस पर क्लिक कीजिए और उसमें आप कौन सा वर्जन लेना चाहते हैं और उसका जो कोड होगा वो उसके बाद आपके ईमेल पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप ऑटोकैड का जो वेबसाइट सॉफ्टवेयर है वो आप ऑटोडेस्क की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्योंकि इसके आगे का इन्फॉर्मेशन अब मेरे लॉगिन से नहीं आ सकता है, वो हमको फिर किसी स्टूडेंट का लॉगिन करके उसके आगे का करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा इसलिए रिस्की हो सकता है कि अगर हम अपने वाले पीसी पे उस किसी स्टूडेंट का आई कार्ड ले करके और हम यहाँ पे लॉगिन कर दें और फिर कहीं उसका ही लॉगिन नहीं हो पाए, तो इसलिए अभी हम जो इस वीडियो में सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ यहाँ तक का ही आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। जब आप इसके आगे जाएंगे अगर आपको उसके आगे कोई डाउट आएगा तो आप अपने उस जो भी आपको वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है आप उसका फोटो ले लीजिए, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मेरे ईमेल एड्रेस से भेज सकते हैं, या फिर आप मेरा फेसबुक पेज है डैड सर के नाम से, आप उसके मैसेंजर में आकर के वहाँ हमसे चैट कर सकते हैं, वो डाउट भेज सकते हैं कि इसके आगे अब क्या करना है, हम आपको जितनी जल्दी हम ऑनलाइन आकर के आपको वहाँ पे रिप्लाई दे देंगे। तो आई होप आपको आज इस वीडियो में हम लोग आपको ऑटोडेस्क से ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना सिखाए हैं ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकेंगे विदाउट एनी ट्रबल। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उनको इसका नॉलेज दीजिए और जल्दी से जल्दी इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए ताकि हम लोग ऑटोकैड का प्रॉपर कोर्स जो है वो सैटरडे संडे वीकेंड्स पे हम लोग ऑटोकैड का कोर्स स्टार्ट कर सके, ताकि आपका पढ़ाई आपके कॉलेज की पढ़ाई भी चलती रहे और सैटरडे संडेज को हम लोग ऑटोकैड का भी प्रैक्टिस कर सके। थैंक यू।